खरगोन शहर के अंजुमन नगर में रविवार को मुख्यमंत्री निकाह योजना के तहत सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। यहां 30 जोड़ों ने एक साथ अतिथियों, समाजजनों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में निकाह कबूल किया। आयोजन में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी धर्मवीर सिंह, विधायक रवि जोशी, कसरावद विधायक सचिन यादव, नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी ने शामिल होकर नव दंपतियों को वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने भी वर्चुअल जुड़कर जोड़ों को शुभकामनाएं दी। विधायक सचिन यादव ने कहा कि सामूहिक विवाह आज के इस दौर में महती आवश्यकता बन गए हैं। मुस्लिम निकाह कमेटी बधाई की पात्र है जो आज बड़े पैमाने पर निकाह का आयोजन कर रहे हैं। इस दौरान सभी जोड़ों को शासन की ओर से गृहस्थी का सामान सहित दुल्हनों को 11,000 रुपए के चेक बांटे गए। विधायकों ने भी अपनी ओर से उपहार दिए। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। आज लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, जो खर्ची हुई शादियां हो रही, उनको रोकने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए इस तरह के निर्णय और फैसले की आवश्यकता है, जरूरत है। निश्चित रूप से इस मंच के माध्यम से जितने भी चेहरे इस आयोजन को सफल बनाने में, सर माफी के साथ, सर माफी के साथ, अरे आज उद्देश्य आ गए, जोरदार तालियों से स्वागत करें आप। आयोजन समिति को भी मैं तहे दिल से उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये सामूहिक विवाह, सामूहिक निकाह के कार्यक्रम का आयोजित करने का काम किया और समाज के लोगों को एक नई दिशा देने का काम आप सभी युवा साथियों ने मिलकर के करा है। मैं पुनः जितने भी वर वधु यहाँ पर आए हुए हैं उनको सबको मैं अपनी तरफ से 85 हमारे जितने भी साथी हैं उन सभी साथियों की तरफ से उनको मैं बहुत सारे शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वो उस आज पहली बार उस घर में जा रही है जिस घर में पूरी जिंदगी उसको गुजारना है। अगर उसकी थोड़ी सी नादानी हो, थोड़ी सी ना समझी हो, तो उसको किसी प्रकार का कोई मसला नहीं बनाए, उसको समझाए, क्योंकि उसका पहला दिन है, पहला घर है, नया घर है। वो अपने माँ बाप को, अपने वालिद वालदा को छोड़ के नए वालिद वालदा के पास जा रही है, तो उसको भी सीखने का अवसर दे। वो बच्ची स्वरूप है और मैं दूल्हों से भी गुजारिश करता हूँ वो ऐसे ही लेके चले। वो दुल्हनों से भी गुजारिश करता हूँ कि वो अपने माँ बाप का नाम खराब नहीं करे, उस परिवार में जाए तो थोड़ी सी अंदर अगर सास से हो, ससुर से हो, पति से हो, देवर देवानी जिठानी ननंद से हो, तो उस बात को इग्नोर कर दे, अनदेखी कर दे, ताकि पूरा जीवन उसको वहां गुजारना है। मैं दूल्हा दुल्हन को, उनके माता पिता को, उनके अभिभावकों को आज के इस मुबारक अवसर पे बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और अभी मेरे जो अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रहे हैं, मैं उनको भी अपने तरफ से और मंच पर उपस्थित सभी साथियों की तरफ से उनको उनके नए जीवन की शुरुआत करने के लिए, वैवाहिक बंधन में बनने के लिए, मैं उनको अपनी तरफ सभी साथियों की तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ उनके जो माता पिता हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनको भी मैं तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने बेटे, अपनी बेटियों के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय और फैसले को आज इस सामूहिक विवाह के, सामूहिक निकाह के कार्यक्रम में उनको सम्मिलित करके और पूरे समाज के साथ, लोगों के साथ में उनको खुशियों, उन खुशियों को बांटने का जो निर्णय और फैसला लिया है वो स्वागत योग्य है। और वो सभी माता पिता और परिजन जो है वो भी सब बधाई के पात्र हैं। और निश्चित रूप से इस प्रकार के जब निर्णय होते हैं, इस प्रकार के जब फैसले होते हैं, आजा मंच पे आजा, योजना जिसमें निकाह योजना भी शामिल है, उसके तहत आज जिले में दो जगह ये कार्यक्रम हो रहा है, बड़वा में और खरगोन में, जिसमें मुस्लिम समाज के जो बहने हैं उनका निकाह हो रहा है और इसमें शासन की जो सहायता है वो उनको प्रदान की जा रही है। और काफी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये योजना है कि हर बहन जो किसी भी समाज की है उसको शादी में शासन की तरफ से सहयोग मिले, उसी के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है। 55,000 की सामग्री मिलती है और कैश मिला के मिलता है, वो आज यहाँ दी जाएगी, जिसमें 11,000 नगद है, कुछ सामान है, इसके अलावा समाज जो देना चाहे अलग से देता है। हेलो फ्रेंड्स,
आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।